इस वीडियो में हम देखेंगे ऑटोकैड सॉफ्टवेयर के अंदर यूनिट सेट कैसे करते हैं, हाउ टू सेट यूनिट इन ऑटोकैड सॉफ्टवेयर। जैसे हम ऑटोकैड बाय डिफॉल्ट जब ओपन करते हैं, कोई भी यूनिट में ओपन हो सकते हैं, तो उसके लिए स्टार्टिंग में जब हम ऑटोकैड ऑन करते हैं तो उसको क्या करना है, हमको यूनिट सेट करना है। तो इसके लिए आपको फॉर्मेट में जाना है, यूनिट को क्लिक करना है और यहाँ पर आपको यूनिट चेंज कर सकते हो। जैसे हमारे पास यहाँ पर मिलीमीटर है, अगर आपको इंच में करना है, फीट में करना है, तो आप यहाँ पर कर सकते हो। तो हमको मिलीमीटर करना है तो मिलीमीटर करके हम ओके कर देंगे। तो हमने एक लाइन ड्रॉ करके देखते हैं, 100 mm का लाइन। तो हमारा जो लाइन है वो क्या 100 mm का बन गया है। अभी क्या करना है, हमको यही यूनिट को हमको इंच में कन्वर्ट करना है, फीट में कन्वर्ट करना है। तो हम फॉर्मेट में जाएंगे, यूनिट करेंगे, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, फीट कर देंगे और डेसिमल में यहाँ पे इंजीनियरिंग कर देंगे। ओके, फिर हमको जाना है फॉर्मेट में, डायमेंशन स्टाइल मॉडिफाई, यहाँ पे भी आपको डेसिमल में इंजीनियरिंग करना है। और यहाँ पे लाइन का जो भी डायमेंशन, लाइन का जो भी कलर वगैरह आपको चेंज करना है, यहाँ पे आप कर सकते हो। और प्राइमरी यूनिट में आपको जितना डेसिमल देना है वो आप दे सकते हो यहाँ पे। ओके, और जो भी डायमेंशन दिया है उसको आपको क्या करना है, सेट करेंट करके क्लोज करना है। तो इस टाइप का ये डायमेंशन हमारा क्या हो जाएगा, इंच में आ जाएगा या फीट में आ जाएगा। तो इस टाइप का आप क्या कर सकते हो, ऑटोकैड में डायमेंशन सेट कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।